सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से हम सब लोग इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूं कि हमें कौन कौन से काम जो है यहां पर पूरी जिम्मेदारी के साथ करने हैं। आफ्टर ऑल अब हम सब लोग जो है ब्रांड एम्बेसडर की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर की जो कैटेगरी होती है वो बहुत एक सिंपल कैटेगरी नहीं होती है, इसके ऊपर बहुत सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बहुत ऐसे काम होंगे जो हम सब लोगों के लिए करने पड़ेंगे। और ब्रांड एम्बेसडर की कितने क्या वैल्यूज होती है, उनको क्या क्या काम करने होते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियोस भी आपको बना के दी हुई है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ब्रांड एम्बेसडर। यानी कि अगर आपको वीडियो हमारे चैनल पर नहीं मिलती है तो डायरेक्टली आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको ब्रांड एम्बेसडर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाकर के आप हमारी उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड जितनी वीडियोस होंगी वो उस प्लेलिस्ट में ऑटोमेटिकली जाती रहेंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या काम करना है। जी हाँ, आपको क्या काम करना है उनको आपको सही तरीके से समझ लेना है, सीख लेना है, लिख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। पहला काम जो है वो ये है कि आईटी कंपनी में किस प्रकार से काम किया जाता है, इसको देखें, सुने, समझें और किस प्रकार से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है उसी का ही पालन करें। अपनी तो बिल्कुल चलाने की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आईटी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल अलग होते हैं, हर कंपनी से बिल्कुल अलग होते हैं। उनको हमें सीखना है, देखना है, समझना है, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। नंबर टू, अपनी हर चीज की जिम्मेदारी की जो गारंटी है सिर्फ आपकी ही होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि आपकी जितनी भी चीजें हैं, हर चीज की जिम्मेदारी की, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, लोगों को किस तरीके से डील करना है, कस्टमर्स को किस तरीके से डील करना है, बहुत सारी चीजें और भी हमारे सामने आने वाली हैं, और भी हमें क्या करना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो और भी बना रखी है कि हमें कौन कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये हम सब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है, ये आपकी गारंटी होगी। उसके बाद नंबर थ्री है, हमेशा पॉजिटिव चीजों को फोकस करें, फॉलो करें, अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव खुराक ही दें, क्योंकि जब पॉजिटिव खुराक आप अपने दिमाग को देंगे तो आपका दिमाग तेज रहेगा, अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। अगर हमें कस्टमर को डील करने की भी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसको भी आसानी से डील कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव माइंड होता है वो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहता है, कुछ भी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो पॉजिटिव खुराक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी तो हमें क्या पता है ऑनपेसिव के बारे में, 5-10% नॉलेज हुई है, अभी तो बहुत पूरी पिक्चर बाकी पड़ी है। नंबर फोर, आप एक प्रोफेशनल कंपनी में हैं तो खुद को प्रोफेशनल बनाने का प्रयास करें, तभी आपका बिजनेस भी ग्रो हो पाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो दिखना भी चाहिए कि हम वाकई में प्रोफेशनल हैं। और वाकई में कोई भी कंपनी तभी ग्रोथ करती है, कोई भी कंपनी तभी ब्रांड बनती है जब उसका हर काम एथिकल तरीके से होता है। उनके अंदर जितने भी लोग होते हैं, वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, या फिर उनकी जो टीम होती है, पूरी टेक्निकल टीम होती है, या और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जब वो सही तरीके से अपने एथिकल तरीके से और टाइम टू टाइम अपने काम को पूरा करते हुए चलें, और सबसे बड़ी चीज क्वालिटी को भी मेंटेन करते चलें, तो इसमें प्रोफेशनल तरीके से जो भी काम होते हैं वो उसी टाइप से हमें करने हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, यू आर ए प्रोफेशनल पर्सन। नंबर फाइव ये है कि अपनी कंपनी के अंदर जो हर व्यक्ति को ब्लेसर शब्द का ही इस्तेमाल करके पुकारेंगे, कोई भी जो है अपलाइन डाउनलाइन या ये वो है ना, दुनिया भर के जो नाम होते हैं जो अलग अलग कंपनियों में होते हैं, ठीक है, उनके हमें शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम अपने आप में एक यूनिक है और हमें एक यूनिक वर्ड भी यहाँ पे मिल चुका है, ब्लेसर। ये ऐसा नहीं, पिछले कई वेबिनार पहले जो बताया था कि हमें ब्लेसर शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे करना है, क्योंकि हम जिसके माध्यम से आए हैं वो अपने आप में एक ब्लेसिंग मान के चलिए कि उसने हमको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, इसलिए हम उसको हम क्या कहेंगे, हम ब्लेसर ही बोलेंगे। नंबर सिक्स है कि अपनी कंपनी की हर मीटिंग को अटेंड करिए, जानकारी इकट्ठी करिए और आप अपने आप को निपुण बनाइए, हर काम खुद करने की आदत डालिए। बहुत सारे काम ऐसे ही होते हैं ना कि जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता है तो भाई हम दूसरे के साथ जो है टाई अप में हो जाते हैं कि चलो ये काम हमारा ये कर देंगे। अगर आप दूसरे से काम करवाएंगे तो आप समझिए कि आपकी ये टेक्नोलॉजी है, ये कोई MLM कंपनी या कोई मूंगफली बेचने वाली कंपनी नहीं है, जो कि आप किसी दूसरे से कराएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक छोटी सी गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, तो यहाँ पर जो है आपकी
जो भी चीजें हैं वो आपको खुद करनी है, मीटिंग वेबिनार सेमिनार जो भी है आपको खुद इकट्ठी करनी है, आपको खुद जानकारी भी इकट्ठी करनी है ताकि आप अपनी नॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाए। नंबर 7 है कि आपका जो अपना मोबाइल है उसको चलाना अच्छी तरीके से सीख लेना है अगर आपको चलाना नहीं आता है, और हम सब लोग एक दूसरे को किसी काम को सिखाने में हेल्प कर सकते हैं, उसकी हर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में उसकी हेल्प करें ताकि वह स्वयं इंडिपेंडेंट हो जाए। यहाँ पे सबसे बड़ा तरीका यही होगा, और तभी हर किसी कंपनी का या हर किसी व्यक्ति का बिजनेस तभी बढ़ता है जब आप सामने वाले व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बना देते हैं। अगर उसका काम आप खुद ही करने लगेंगे तो वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही थोप देगा, लेकिन इसमें नुकसान उस सामने वाले व्यक्ति का भी हो सकता है क्योंकि लालच बुरी बला है। कभी भी उसके वॉलेट में कुछ भी डॉलर वगैरह दिखाई दिए तो आप बता दोगे कि इसमें क्या है, इसमें भैया आपके जो है 100 डॉलर पड़े हुए हैं, है ना, और उसमें है कितने, उसमें 150 डॉलर है, तो आपको जो है मिसलीड भी इस तरीके से वो कर सकता है। तो इस तरीके से आपको जो भी चीजें हैं वो खुद ही आपको सीखनी पड़ेंगी, मोबाइल चलाना लैपटॉप चलाना अगर आपको नहीं आता है तो घर में जब कोई चीज आ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो सीख जाते हैं। अगला नंबर है नंबर 8, सही जानकारी से बैक ऑफिस ऑन पैसिव। सही जानकारी जो है वो केवल बैक ऑफिस ऑन पैसिव की वेबसाइट और SR का जो लाइव सेशन होता है उसको आप जरूर अटेंड करें सही जानकारी के लिए, और दूसरों को भी इस मीटिंग को अटेंड कराएं जितने भी सेशंस होते हैं, और अच्छा सुने और अच्छा ही बोले। बहुत सारे लोग वेबिनार में आ नहीं पाते हैं, किसी वजह से नहीं आ पाते हैं, एक तो सीट फुल हो जाती है या कोई और वजह होती है, किसी एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस वजह से नहीं आ पाते हैं, किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है तो उस वजह से नहीं आ पाते हैं, तो वो पूरी तरीके से YouTube की जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि बैक ऑफिस ऑन पैसिव की वेबसाइट और SR के जो लाइव सेशन होते हैं, ढलंतर का जो टीम चैंपियन का वेबिनार होता है, और भी बहुत सारे लोकल लीडर्स के भी वेबिनार होते हैं, इन सभी को सुनने की आप आदत डाल लें क्योंकि ये सभी जो है नॉलेज बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में नंबर 9, हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में और कंपनी के ग्रोथ के बारे में और कंपनी को प्रमोट करने के बारे में, हमारे टूल्स को प्रमोट करने के बारे में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में सोचें और इस पर विचार करें और अपनी जानकारी को शेयर करें। मेन चीज यही है कि जब तक हम कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती, जब तक हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक भी हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो टूल है उनको प्रमोट करें, कंपनी को प्रमोट करें, और इन सारी की सारी जो प्रमोशन जो होती है इन सभी से कंपनी की भी ग्रोथ होती है और हम सब लोगों की ग्रोथ होती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नए लोगों के पास भी पहुंचती है। और नंबर लास्ट ये है कि कंपनी ने अपने आप हम सब लोगों को जो है एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, और अब आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाने का वक्त आ गया है। ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी क्या है, ठीक है, और इस चीज को जानिए, इस चीज को समझिए, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपको पता ही है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ ब्रांड एम्बेसडर, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आप इसकी जो लिंक है, इस वीडियो की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे देता हूं ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। और अब आपको अपना कर्तव्य अपनी ड्यूटी जो है निभानी है कि आप कंपनी को ब्रांड बनाने में अपनी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। देखिए कंपनी ने तो हम सबको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कंपनी को ब्रांड बनाने के लिए, हम अपना कितना प्रयास कर सकते हैं, हम कितना अपना प्रमोशन कर सकते हैं, हम कंपनी को कितनी अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कितनी अच्छी तरीके से बता सकते हैं, लोगों के सामने कितनी अच्छी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, अपने आसपास का माहौल कितनी अच्छी तरीके से पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर सकते हैं, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ब्रांड एम्बेसडर बनने का मतलब ये नहीं कि बस आपके नाम के हो गए और आपको चारपाई पे जाके सो जाना है, बहुत सारी जिम्मेदारी आने वाली है, इस बात को आप समझ लीजिए क्योंकि बहुत कुछ आपको करना भी पड़ेगा। अब लास्ट में मैं एक सजेशन और देना चाहूंगा आप सब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कॉल्स मुझे भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को लीडर्स को भी कॉल करते हैं कि सर मेरी इनकम कितनी आएगी, तो भाई इनकम के बारे में आप कोई भी सवाल ना करें, सबसे पहली चीज तो ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉल करेंगे तो सबसे पहले यही वो पूछेंगे, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो उनके अलावा अगर मैं उनसे एक सवाल और करता हूं कि आपको जो है ऑन पैसिव के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, आपको ये बताओ कि जो एक क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया था कि जो फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है हमारा, उसमें हमारी मार्केटिंग कैंपेन होगी या नहीं होगी, तो भाई उनको इतना इस पर भी पूरे तरीके से अभी डाउट चल रहा है, तो भाई ये तो 100% होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि जो वर्ल्ड कप आता है वो कितने साल के बाद आता है, तो जब उनको यही नहीं पता है कि वर्ल्ड कप कितने साल के अंतराल पे होता है, तो आप बताइए कि वो क्या इन्फॉर्मेशन
ले सकते हैं उन पैसे की। तो यहाँ पे उन सब लोगों से मैं इतना ही कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इनकम के बारे में आप जो है ज्यादा अपने माइंड में ये सब आइडियाज है इन सबको निकाल के बाहर करो और ऑन पैसिव की नॉलेज को इकट्ठा करो, इसके प्रोडक्ट की नॉलेज को इकट्ठा करो, क्योंकि ये आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। केवल इनकम को लेकर के आप सोच रहे हो कि मेरी इनकम कितनी आएगी, तो यहां से इनकम तो भाई साहब बहुत आने वाली है, लेकिन वो आएगी तभी तब जब आप उसमें अच्छी नॉलेज रखेंगे। ऑन पैसिव की आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। लोगों को कॉल करोगे, लीडर्स को कॉल करोगे, किसी को जिसके जिसका नंबर आपके पास है उसको कॉल करोगे, तो अपनी खुद कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनकम के पीछे भागेंगे, पैसे के पीछे भागेंगे, तो पैसा आपसे दूर भाग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने वैल्यू के पीछे भागें, अपनी कंपनी की वैल्यू के पीछे भागें, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, कंपनी की वैल्यू को बढ़ाएं, जिससे कि पैसा ऑटोमेटिकली जो है आपके पास आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये थी आज की हमारी पूरी ट्यूटोरियल वीडियोस कि हमें क्या क्या करना है। तो ये सारे के सारे जो चीजें मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर ये सारे काम करने ही करने हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर इन इट टू विन इट।